देव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात कर रहे हैं झांसी नगर निगम वार्ड नंबर 13 मेरी गांव की। देख सकते हो कल मेरी गांव के तत्वाधान में पासी में एक गांव आता है जो कि परिहार डेरा के नाम से ये छोटा सा क्षेत्र जाना जाता है जो मेरी के अंदर ही आता है। आपको अवगत करा दें वहाँ पर 25-26 परिवार रहा करते हैं, 100 से 150 व्यक्ति इस गाँव में रहा करते हैं। और देखा जाए कल अनेक लोग डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे। इनकी बड़ी समस्या है, वो समस्या आपको बता दूं मैं, वो है रोड की, सड़क की समस्या। देख सकते हो, आपको अवगत करा दूं मैं, सीधे देख सकते हो ये जो रोड जा रहा है कल, हालांकि मुख्य रूप पे अधिकारी भी यहाँ पर आए थे, ये रोड जा रहा है। रोड के साथ साथ मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा जहाँ पर खजूर का पेड़ लगा हुआ है वहाँ पर एक नाला भी है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ के जो नगरवासी हैं आखिरकार कैसे रोड के उस पार जाएंगे, कैसे बच्चों का पालन पोषण रोड के उस पार करके अपने बच्चों को पढ़ाने जाएंगे। यहाँ के ग्रामीण वासी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार वार्ड नंबर 13 नगर निगम की यह पूरी ज़मीन है, आखिरकार यहाँ के ग्रामीण वासियों का क्या कहना है। कल आखिरकार अधिकारियों से मिलकर आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, तो हमारे बीच में ग्रामीण वासी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या उनको आश्वासन मिला। आए थे तो उन्होंने बोला है कि रास्ता खुल जाएगी, लेकिन अभी तक कोई रास्ता खुली नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बीच में नाला पड़ा है और 20 से 25 परिवार रहते हैं, 100-150 आदमियों का परिवार है। कल SDM साहब के यहाँ गए थे तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको करने कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग बनवा देंगे। बच्चे जो तेल साबुन शक्कर पत्ती बच्चन को स्कूल सड़क पार नदियाँ पार कैसे पहुँचे होंगे आप लोग, तो आप बताओ। अभी तो पहले दूसरी रास्ता से जाते थे, वो बंद हो चुकी है। क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? ये दिया है कि 4-5 दिन के लिए आपको गेट खुलवा दिए जाएंगे और उसके बाद 4-5 दिन में बनवा दिए जाएंगे। गेट हाल में तो खुल गए, उसके बाद बंद हो चुके हैं। किसकी मनमानी लग रही है आपको ये? अब मनमानी तो यही है कि मतलब ये समाजवादी पार्टी है वही बंद करा रहे हैं। पार्टी बंद करा रही? अरे मतलब लोग बाग। अच्छा, समाजवादी पार्टी वाले। अच्छा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नीलम जी। आप बताइए, बिना सड़क के कैसे आप वहाँ जाते होंगे? नहीं जा पाएंगे। क्या फिर आपको, किस प्रकार का आपको सड़क बनना चाहिए? सड़क बनना चाहिए, जैसी पुलिया बनती है, जैसा रोड डलता है वैसा चाहिए ना। कल अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने कछु कही के नहीं कही? कुछ नहीं कही। भाई राम राम। राम राम। कल तुम गई थी DM साहब करने? हाँ गए थे। सब बैठे नहीं, खूब चलने आए थे। हमारा तो न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए था हमें तो। अब बताओ क्या सो न्याय हमें जो चाहिए कि हमें तो रोड गिर जाए, चाहिए मिल जाए चाहिए हम। अच्छा हाँ, गेट बंद, वो गेट बंद कल कह रहे हैं, आए थे DM साहब तो कह रहे थे कि खोल देना, और आज बंद कर दिए। अच्छा हाँ, अब हम क्या करें, कैसे बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, कैसे चून पान ले आए, कैसे ढोरों को खर पानी ले आए, कैसे निखर पाएंगे। राम राम। राम राम। आप बताओ क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत रास्ता की है साहब। कहाँ से निकलेंगे हम लोग? उधर बाउंड्री, उधर बाउंड्री हो गई जो कल जो अधिकारी देख गए, वो पूरी बंद हो चुकी है। आज कहाँ से निकल करा दूँ, यह जो परिवार लोग बाग देख सकते हो, इससे भी ज़्यादा कई गुना कल जिला अधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए थे। परंतु देखने वाली बात है कि वास्तव में किस प्रकार यह परिवार, यहाँ के ग्रामीण वासी किस प्रकार रोड के उस पार जाएंगे। आपको बता दूँ, ये जो सड़क देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ बनना ही है सड़क। सड़क के सीधे मिलेगा डेली गांव में, मेरी गांव के अंदर, मेरी गांव के तत्वाधान में सीधे निकल सकते हैं मेन कानपुर हाईवे पर। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार नगर निगम के अंदर चमकाने का काम कौन करेगा, नगर निगम वार्ड नंबर 13 को कौन चमकाने का काम करेगा। बहुत ज़मीन है वास्तव में, देखा जाए यहाँ पर नगर निगम के थ्रू पार्क भी बन सकती है, हॉस्पिटल भी बन सकती है। और ये तो छोड़िए जनाब कि यहाँ पर तो रोड की सड़क की समस्या है, क्योंकि यहाँ के नगरवासी नहीं आवागमन कर पा रहे हैं। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज, झांसी।